प्राइवेट स्कूलों में बहुत भारी भरकम फीस लगता है और कई स्कूल ऐसे होते हैं कि जो आम आदमी की पहुंच से दूर होते हैं, लेकिन सर का कहना है कि 3 से लेकर के 7 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल मुफ्त कराने का एक प्राविधान है जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है। तो भैया उस पर काम भी कर रहे हैं और लखनऊ में, पूरे देश में लखनऊ एक ऐसा जगह है जहां राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए हैं और आपका एक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से आप काम कर रहे हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं। हाँ सर, आपके संगठन का क्या नाम है? आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन। क्या ये सही बात है कि 3 से लेकर 7 साल तक के बच्चों की शिक्षा फ्री है? जी बिल्कुल, किसी भी स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कितना भी महंगा स्कूल हो। हाँ, बस मिशनरी स्कूल नहीं होना चाहिए वो। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? वो मदरसे या जैसे क्रिश्चियन है वो इस कैटेगरी से जो है अलग उसमें रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों है, किस कारण ऐसा है कि 3 से 7 साल तक के बच्चों की शिक्षा फ्री है? ये एक इसमें देख के बात करिए, ये जो है 2009 में एक कानून बना था शिक्षा का अधिकार 12(c). जी, शिक्षा का अधिकार के तहत कई धाराएं हैं, लेकिन जो हम लोग जिस एक्ट पर काम करते हैं वो 12(c) है, 12(1)। उस 12(1) में 3 से लेकर 7 साल के जितने भी बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में वो निःशुल्क पढ़ सकते हैं और बहुत ही मतलब अच्छी योजना है और इसका लाभ लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में बताएं। एक मतलब व्यक्ति अगर गरीब है और वो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता है, या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी आपके तरह जो है काम करके, जो गरीब लोग हैं और उनको स्कूलों में अनिवार्य रूप से जो शिक्षा का अधिकार मिला है उसमें इनरोल कराना चाहता है, तो वो कैसे करें? वो देखिए, एक हर साल जो है फरवरी में ये साइट खुलती है और फरवरी में इसके एडमिशन होते हैं। कभी कभी 25, वैसे मोस्टली 25 फरवरी से बाद आते हैं, लेकिन इस बार जो है 7 फरवरी को ही फॉर्म आ गए थे, तो फरवरी से मोस्टली ये एडमिशन चालू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो SC कैटेगरी में है, अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, उनके लिए अभिभावक का, माता पिता मतलब बच्चे के माता पिता का किसी एक का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी एक का आधार कार्ड होना चाहिए, और एक क्राइटेरिया और है कि जहाँ जो रहता है उसी एरिए के आसपास जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें एडमिशन हो सकता है, और अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का एक फ़ोटो होना चाहिए, और यही ज़्यादा बस 4 से 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं जो जिससे जो है बच्चों का एडमिशन आराम से हो जाता है। और बच्चा अगर एक बार एडमिशन हो जाता है तो कक्षा 8 तक फ्री पढ़ता है, और इसके लिए जो है स्कॉलरशिप भी है, वो कोरोना से पहले जो है सभी के पास 5,000 रुपये भी मिलते हैं सालाना, वो कॉपी किताब के लिए मिलते हैं, वो अभिभावक के खाते में आते हैं, लेकिन कोरोना के से पहले जो है आते थे, उसके बाद नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए भी अभी हमें लड़ाई लड़नी है और आप लोग के सहयोग से अगर रहा तो हम लोग जो है स्कूल जो है, अगर कोई स्कूल मना करे कि हम अपने यहाँ एडमिशन नहीं करेंगे फिर, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, BSA से शिकायत करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर कोई स्कूल वाला ले नहीं रहा है तो पहले तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आप प्रिंसिपल से कह दीजिए कि अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप हमको लिखित में दे दीजिए, अपनी मोहर लगा कर साइन करके दे दीजिए, हम BSA से जाकर बात कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर वो लोग डर जाते हैं और उससे जो है एडमिशन लेना पड़ता है उनको, अगर उसके बाद भी नहीं ले रहे हैं तो उसके बाद हमें जो है आगे DM के पास और शिक्षा विभाग के पास हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किए हैं, उससे भी एडमिशन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एडमिशन करा देते हैं। अब तक आपने कितने बच्चों का कराया है? लमसम 10,000 से ऊपर बच्चे को एडमिशन हो गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर आपका कोई पेज है? हाँ, वो जो है AAVF करके जो है चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल है, उसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। हाँ, और एक चीज़ और, मेरा एक हेल्पलाइन नंबर है वो फरवरी में खुल जाता है, वो 7071 777-1991, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि फरवरी में खुल जाता है और ये जुलाई तक चलता रहता है। इस पर आप मिस कॉल कर दीजिए और उसके बाद हम लोग खुद फ़ोन करके उसको सारी जानकारी दे देते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं, कब तक फॉर्म आ रहे हैं, कब लॉटरी निकल रही है, कब एडमिशन कराना है, कैसे एडमिशन कराना है, सारी जानकारी जो है हम लोग उस पर जो है दे देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं। और अगर मेरा जो YouTube चैनल है AAVF, उसको आप सर्च करेंगे तो उसमें जो बच्चों के एडमिशन हुए हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से एडमिशन हुए और कितने अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन हुए हैं। आपके संगठन से जुड़ने के लिए लोग क्या काम करें बताइए?
कुछ नहीं, हमारे साथ जुड़े, बस हम लोग जो है एक साथ। फोन नंबर बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 7007637833, ये मेरा पर्सनल नंबर है 7007637833। तो ये नायब सर थे, ये नायब सर थे हमारे साथ, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 25% जो सीटें होती हैं, कुल 25% सीटें, यानी कि एक स्कूल में अगर 1000 विद्यार्थियों को, छात्रों को पढ़ाने की क्षमता है, तो उनको अपनी 25% सीटें जो है निशुल्क गरीब लोगों को देनी होंगी, ऐसा इस एक्ट के तहत उनको बाध्य किया गया है। लेकिन चूंकि इसकी जानकारी नहीं है और सरकार भी इसका प्रचार नहीं करती है, क्योंकि सरकार में खुद शिक्षा विरोधी लोग बैठे हुए हैं और स्कूल बड़े बड़े माफियाओं के हाथ से संचालित होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो 25% सीटें हैं उस पर वो मुफ्त चली जाएं और गरीब आकर के पढ़ लें। तो आपको आपको जानकारी मिल गई होगी कि एक जाति प्रमाण पत्र चाहिए जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, और उसके जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे का जाति प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, और माता या पिता का किसी का एक आधार कार्ड, उससे क्या होगा, उसी से आप एडमिशन करा सकते हैं। फरवरी में पोर्टल खुलता है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सर ने चैनल अपना बनाया, एक बार फिर से बता दीजिए, AABF मेरा चैनल है, उसको उस पर जाइएगा, उस पर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उस पर किस तरीके से हम लोग कैंपेनिंग करते हैं वो भी हम लोग जो है, अरे उसमें आप दिखा सकते हैं, और पेज भी है आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से, उस पर भी आप देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम दीप कुमार वाल्मीकि है। आपका सर? दीपक कुमार वाल्मीकि है। अविनाश भारती। सर लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे साथ एक और हैं चंद्रेश भैया, आप गोरखपुर में प्रयास कर रहे थे कि RTE के तहत यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एडमिशन हो जाए, और जब एडमिशन नहीं हुआ तो भैया ने जनहित याचिका कर दी, क्या क्या कहाँ कहाँ आप दौड़े थे? BSA के यहाँ गए, पहली शिकायत तो हमने लोग DM साहब को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, अब सबकी प्रलिपि इकट्ठा करके फिर जनहित याचिका कर दिया जाए। यानी कि जब आप लोगों से काम नहीं बने, आपको सुनवाई ना हो, तो चंद्रेश भैया से संपर्क करें, चंद्रेश भैया जनहित याचिका करेंगे, और उसमें सारे अधिकारियों को, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो, सबको पार्टी बना करके वो घसीटेंगे हाईकोर्ट में, उनको हाईकोर्ट में जा करके जवाब देना पड़ेगा कि आपने RTE के तहत यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एडमिशन क्यों नहीं लिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।